राम राम भाई लोग। तो यार आज अपने लोग फिर से खेलने वाले इंडियन बाइक 3D। तो भाई इसको मैं कब खेला था मेरे को भी याद नहीं, लगभग 1 से 2 महीना हो गया। बट आप लोग सोच रहोगे कि भाई इंडियन बाइक 3D इतना टाइम बाद क्यों, क्योंकि भाई ये गेम तो इतना ज़्यादा मस्त गेम है, बट कंटेंट के हिसाब से देखे ना तो भाई उतना ज़्यादा मस्त गेम नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गेम बुरा, गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल गेम है, टाइम पास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गेम है और गेम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बट कंटेंट के हिसाब से देखे तो उतना बढ़िया नहीं था। बट अभी जब देखो ना तो भाई इंडियन बाइक 3D में ओनली एक ही चीज़ चल रही है, जो कि मिथ, जो कि बनाने भी मजा आ रहा है और देखने भी मजा आ रहा है। मतलब बनाने वाले को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है और देखने वाले को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और भाई मतलब इंडियन बाइक 3D में देखें तो उतना कुछ कंटेंट है नहीं, लेकिन जो मिथ है मस्त है और भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी देखें ना तो भाई मिथ ही मिथ चल रहा है, जो भी क्रिएटर इंडियन बाइक 3D का है ओनली मिथ डाल रहा है, मिथ के अलावा कुछ नहीं डाल रहा। पहले था चिटकोड, तो चिटकोड एक दो वीडियो आ जाती थी, लेकिन अभी मिथ भाई। और भाई जब सब्सक्राइबर लोग कमेंट करते भाई लोग तो भाई काफी ज्यादा मजा आता है, उनकी कमेंट उठाओ तो भाई उनको भी अच्छा लगता है और मिथ भाई ट्राई करो तो अपने को भी बढ़िया लगता है। और भाई इंडियन बाइक 3D में मिथ के अलावा मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं, तो अपन लोग भी ट्राई करने वाले मिथ एयरपोर्ट करके। तो अपनी जो फर्स्ट नंबर पे मिथ होने वाले वाले करके आप लोग को बता देता हूँ। तो अपन लोग जो एयरपोर्ट की जाली है तो भाई इसमें तो आप लोग काफी ज्यादा मिथ देखोगे, लेकिन मैं आप लोग को एक और मिथ दिखाता हूँ वाले करके। बट मैं जैसा सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, मेरे को लग रहा था वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत वर्क करती। अगर आप लोग जो आपकी गाड़ी है मतलब जो आपकी टू व्हीलर गाड़ी उसको बिल्कुल चिपका के चलाओगे, मतलब जो आपकी टू व्हीलर गाड़ी लेके आना सबसे पहले तो फोर व्हीलर नहीं, और आपको मतलब इसकी जाली है ना जो आपकी देख सकते हो वाले करके यहाँ पे जाली वाले करके एयरपोर्ट की जो जाली आप लोग को बिल्कुल चिपका के चलाना है। तो आप जैसे आप लोग चिपका के चलाओगे, अबे लोंडिया सामने आ गई, एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, गाड़ी देख रहे हो दो पैर पे हो गई भाई, समझो ना, अबे सॉरी भाई एक पैर पे हो गए, मैं क्या बोल रहा हूँ वाले करके दो पैर पे हो गए। तो भाई सबसे पहले गाड़ी देखो भाई हवा में चल रही वाले करके, एक टायर पर चल रही वाले करके यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो भाई अपन लोग अपनी मिथ ट्राई करते भाई, ये क्या सीन हो गया भाई, मैं फालतू में यार वाले करके टाइम वेस्ट हो गया अपना। तो चलो अपन लोग अपनी मिथ की तरफ बढ़ते। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ मिथ को मैं ट्राई करने, मतलब मैं सोच रहा था कुछ और फिर भी मैं थोड़ी वर्क करी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग जब गाड़ी को चिपका के चलाते हो बिल्कुल चिपका के, तो आपका जो वन हैंड है मतलब जो एक हाथ है आप लोग बोल सकते हो, तो भाई ये अंदर चला जाता है। अब मेरे को लग रहा था कि ये फंस जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे गाड़ी जो मतलब जो जाली लगी ना यहाँ पे देखो छोटे छोटे खम्भे भी, यहाँ पे देखो एक ए रहा खम्भा टाइप का, तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे हाथ जो अपना एक हाथ है जो फंस जाएगा, लेकिन वो हाथ फंसता नहीं है, लेकिन हाँ बाहर जरूर जाता है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता, मतलब उस साइड से यहाँ पे देखो, एक सेकंड में गाड़ी को चिपका लूँ, ये देखो अपना हाथ है ना एक साइड का हाथ पूरा अंदर आ जाता है जाली के, बट फंसता नहीं। यहाँ पे आप देखो एक खम्मा है, मैं सोच रहा था यहाँ पे फंसेगा बट फंसता नहीं। यहाँ पे देखो मैं कितने धीरे धीरे से ले जा रहा हूँ बट फंसता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक हाथ है ना बिल्कुल अंदर आ जाता है। तो भाई लोग अगर आप लोग को ये वाली मिथ कैसे लगी, जानता हूँ उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी, बट मैं कुछ और सोच रहा था कुछ और हो गया, बट ये मिथ फिर भी ठीक ठाक है। तो अभी अपन लोग बढ़ते अपनी सेकंड मिथ की तरफ बोले करके। तो चलो यार फटक से आप जो सेकंड मिथ है ना बोले करके यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, अब भाई मैं इसको ट्राई करता हूँ बोले करके। तो ये गजब की मिथ है, अभी आप लोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग लैम्बोर्गिनी उठाओगे लैम्बोर्गिनी में एंटर होगे, अब लैम्बोर्गिनी में आप लोग जैसे एंटर होगे अब आप लोग कैमरा एंगल चेंज करोगे बोले करके, जो गाड़ी के अंदर वाला कैमरा एंगल करोगे, तो सबसे पहले आप लोग देखो अदर गाड़ी में पूरा मस्त व्यू दिखता है, लेकिन जो लैम्बोर्गिनी ना ओनली हैंडल, आपका जो हैंडल स्टीयरिंग बोल सकते हो गाड़ी का, सिर्फ वहीं से व्यू दिखता है, मतलब उतना ज्यादा व्यू नहीं दिखता सामने का, अंदर से आप लोग बैठते हो ओनली हैंडल दिखता है और हैंडल के सामने का दिखता है। लेकिन अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ दूसरी गाड़ी में बैठ के, एक सेकंड अपनी गाड़ी पलट के। तो चलो अभी हमें गाड़ी को सीधा कर लेता हूँ और अभी आप लोग को दूसरी गाड़ी में बैठ के दिखा देता हूँ। दूसरी गाड़ी में देखोगे ना तो आप लोग अदर गाड़ी में पूरा दिखेगा, मतलब सामने का सीन पूरा दिखेगा, लेकिन जो लैम्बोर्गिनी उसमें सिर्फ एक साइड का दिखता है। तो चलो मैं फटक से भाई यहाँ पे बच गया मरते मरते। तो अभी अपन लोग फाइनली बच तो गए, अब यहाँ पे अपन लोग चिट कोड डाल करते 1000 फॉर्च्यूनर बुलाते, ठीक है। तो चलो मैं फॉर्च्यूनर बुला लिया, अभी आप लोग इसको एंटर हो जाता हूँ, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं इसके अंदर एंटर हो गया, अभी आप लोग देखो मैं क्या जैसे कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, आप देखो पूरा व्यू दिखता है। अगर हम लोग मतलब लैम्बोर्गिनी को देखें ना तो सिर्फ स्टीयरिंग दिखता है, बट यहाँ पे देखो पूरा व्यू दिखता है, अदर्स गाड़ियों में पूरा दिखता है लेकिन जो लैम्बोर्गिनी ओनली उसमें नहीं दिखता। तो चलो अभी अपन लोग बढ़ते थर्ड मिथ की ओर वाले करके। साहब ये मिथ मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक बोल सकते हो, तो वाले करके ये मिथ मेरे को पता चली थी, ये मिथ मेरी नहीं बोल सकते वाले करके जी हाँ वाले करके। तो इस मिथ में क्या वाले करके भाई बोलता है कि इनने जो अपनी जो मतलब क्या बोल सकते हो मस्टैंग गाड़ी है, तो इसके अंदर सॉरी वाले करके जो मस्टैंग गाड़ी ने यहाँ पे कैमरा लगाया। तो भाई मैं सोचता हूँ भाई कैमरा कहाँ पर लगाया भाई मस्टैंग के अंदर, तो चलो अभी मैं अंदर बैठ के तो देख लेता हूँ, बट भाई बोलता है पीछे पीछे कैमरा लगाया। तो चलो अभी वाले पीछे देख लेते हैं, मतलब अंदर नहीं पीछे लगा वाले करके। तो चलो अभी अपन लोग पीछे देखते हो, तो भाई मैं पीछे काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कहीं पे कैमरा, भाई मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अब देखो यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिख रहा, आप लोग जरूर से बताना मस्टैंग की डिग्गी ओपन होती कि नहीं होती, बट मेरे हिसाब से मस्टैंग में पीछे डिग्गी रहती नहीं, मतलब है तो नहीं लग रही मेरे को कि पीछे डिग्गी होगी, मेरे को तो नहीं पता, बट मेरे को लग रहा है मस्टैंग में पीछे डिग्गी नहीं है और होती भी नहीं, होती होगी बट इस वाली गाड़ी में डिग्गी नहीं है। तो भाई देखो अब इंडियन बाइक 3D में उतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है और मैं गाड़ियों में उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं बोल सकता, मैं
इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब ऐसा नहीं बोल सकता कि हर गाड़ी के मैं बारे में जानता हूँ, मतलब कोई भी गाड़ी के बारे में मैं जानता नहीं उतना ज़्यादा। तो फिलहाल मेरे को अभी देखूँ, यहाँ से देखूँ तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जो अपनी मस्टैंग है इसमें डिग्गी नहीं रहती पीछे, मतलब अभी है नहीं बल्कि। आप लोग बताना, आप देखो भाई मैं गलत भी बोल सकता हूँ सही बोल सकता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं। आप देखो मैं कैमरा एंगल भी चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पर भी मेरे को यार भाई वो कैमरा नहीं दिखता। बट भाई जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद मैंने सोचा भाई सबसे ज़्यादा जूम एक ही चीज़ हो सकता है, वो स्नाइपर। तो आप भाई मैं जैसे ही स्नाइपर लेता हूँ और भाई पीछे साइड जूम करता हूँ तो आप लोग देखना भाई, मतलब गजब का भाई, बिल्कुल कैमरा टाइप का लगता है। अभी आप लोग देखो मैं स्नाइपर ले लिया, अब आप लोग देखो मैं जैसे पीछे आता हूँ, अब आप लोग देखना यहाँ पे देखो कैमरा टाइप का दिखता है। एक सेकंड यहाँ पे क्या सीन हो रहा, थोड़ा वेट करो। अबे यार क्या हो रहा, मैं फिर से करता हूँ ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो मैं गाड़ी के पास लेके जाता हूँ, अभी मैं सारा जगह पर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक कैमरा टाइप का लगता है भाई, बिल्कुल कैमरा टाइप का, ये नहीं है वालोगर का। दूसरा अभी आप लोग को दिखाता हूँ, सबसे पहले वालोगर का मैं मतलब सारी जगह पर चेक कर लेता हूँ वो कहाँ पर, क्योंकि भाई इतना जूम है ना तो अपने लोग को समझ में नहीं आता ये तो इंजन है भाई कहाँ पर, वो कैमरा किधर गया किधर गया यार, कैमरा टाइप का लग रहा था। एक सेकंड भाई यहाँ पे भी नहीं है, किधर किधर थोड़ा लेफ्ट करो, ये देखो ये रहा ये रहा ये देखो भाई, बिल्कुल कैमरा जैसा लगता है। अब आप लोग सोच रहे कि भाई ये जो मतलब डिग्गी खोलते ना उसकी चाबी, तो बस अब मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ कि ये मतलब डिग्गी खोलने वाली चाबी बोल सकते हो, बट मस्टैंग में जो डिग्गी नहीं रहती मेरे को कैमरा टाइप का लग रहा है। आप देखो जो भी हो बट है कुछ यूनिक और भाई बिल्कुल कैमरा जैसा लग रहा है। मैं तो भाई मेरे को तो बिल्कुल कैमरा जैसा लग रहा था, और पीछे देखो ना तो डिग्गी मतलब खोल भी सकते नहीं भी खोल सकते भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। अब देखो भाई इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता ज़्यादा भाई, मैं तो मेरे को खुद दिमाग खराब हो रहा है। पीछे तो भाई मैं बताऊँ ना तो मेरे को नहीं लग रही पीछे डिग्गी होगी, बट आप लोग कमेंट में जरूर होता ना कि पीछे डिग्गी है कि नहीं भाई। मतलब कैमरा मेरे को तो भाई सच बताऊँ पूरा कैमरा जैसा लग रहा है। आप लोग देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कैमरा टाइप का वाले करके। यहाँ पे चाबी, अब देखो अदर्स गाड़ी में जो चाबी रहती है वो लगी रहती है भाई करके, बट इसमें चाबी भी नहीं लगी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाले करके। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना यार वाले करके। सभी लोग से दिल से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाले।